हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे हम फिर से आज प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ संस्कृत के क्वेश्चन के, जो कि पूरी तरह से आपके यूपी टेट के नए सिलेबस पे आधारित है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, उन सभी टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड है, चाहे वो वर्तनी वाला हो, अविलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, धातु रूप, शब्द रूप, संधि समास, सभी टॉपिक से क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और आप देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स इसमें आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट खुद कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल के बिल्कुल भी नहीं थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, धनेश्वरा में संधि है कौन सी? ओके, जितने भी लोगों ने गेस किया है यहाँ पे, वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। इसकी एक बहुत अच्छी पहचान भी बताई है, जब ये संधि होने के बाद एक ही मात्रा आ जाती है, मतलब जो बड़ी वाली मात्रा होती है वो आ जाती है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या मानी गई है कितनी? यूपी टेट में साहित्य, संस्कृत साहित्य से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। उपकूलम में कौन सा समास है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास है। उपकूलम में कौन सा सर्वह्रस्व नहीं होता? तो जो अ है आपका, इसका ह्रस्व जो है नहीं होता। जितने आप हैं जो ऑप्शन में है वो, मतलब जितने आपके सामने स्वर हैं उनमें ये जो है उसका ह्रस्व, इसका क्या ह्रस्व होगा? ठीक है, यतश्च निर्धारणम सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? विभक्ति के सूत्र से प्रश्न निश्चित आएगा, और कोई भी धातु दे देगा उसमें, या फिर कोई भी एक सेंटेंस दे देगा उसमें कौन सी विभक्ति या कौन सा कारक यूज हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो दो तीन तरह के क्वेश्चन बना के आते हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सप्तमी विभक्ति। बालको अयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या होता है, बालकः धन अयम हो जाता है आपका, बालको अयम। पपीहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये भी सिलेबस में है, पशु पक्षी के, फल फूल के, हर एक चीज के, मतलब जो भी आपके आसपास की वस्तुएं हैं सबके संस्कृत नाम आपको याद करने हैं। एक प्रश्न पूछता है, और न सिर्फ यूपी टेट में बल्कि सुपर टेट में भी। हालांकि सुपर टेट की क्लासेस जो आपकी हैं वो अब दो पार्ट में चलेंगी यूपी टेट के जस्ट बाद से। लैंग्वेज CDPA वाले पोर्शन आपके लर्निंग नीड पर पिछले साल की तरह ही कंटिन्यू रहेंगे, और आपका जो दूसरा चैनल है, हमारा जो दूसरा चैनल है एग्जाम डोज, हम सबका है वो, तो वहाँ पे बाकी की क्लासेस जो है आपकी चलेंगी। वहाँ पे आपको अदर टीचर्स भी पढ़ाएंगे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो वो अगर वो सब्जेक्ट टीच करेगा तो ज़्यादा थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, चातक। हस्तेन लुंजह में हस्तेन में कौन सा समास है? उत्तर सही होता है करण कारक। देखिए यहाँ पे बताया था ना, हस्तेन लुंजह, यानी कि हस्त से, हाथों से कोई जैसे लूला है, तो जिस शरीर के जिस भाग में, जिस अंग के द्वारा कोई विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे करण कारक होता है आपका। पढ़ाया है विभक्ति डिटेल से, कारक विभक्ति। अदश शब्द का षष्ठी एकवचन रूप है क्या? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमुष्य। सरित शब्द का पंचमी एकवचन रूप है क्या? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरिता। वारी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या है? शब्द रूप याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि सारे आपको याद करने हैं, हर टाइप का एक एक भी याद कर लेंगे, और एक भी नहीं याद करना है आपको, आधे का आधा याद करना पड़ेगा। कैसे, वो मैंने बताया है, संस्कृत वाली प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, उसमें आपको सारी अकारांत, इकारांत, उकारांत, हर टाइप के ऋकारांत सबकी डिटेल मिलेंगे कि किस तरह से आप उसे मिनटों में याद कर सकते हैं। एक दिन के अंदर आपको सारे जो है शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, वारिशु। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल जोड़, समझौता या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी, ये आपका समझौता, जोड़, मेल, सभी, उसको शाब्दिक अर्थ की अगर बात करते हैं तो ये सभी इसके अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन से?
उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, य व र ल। माहेश्वर सूत्रों के इत संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले प्रत्याहार हैं कौन से? कितने हैं ये पूछा है, कौन से नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 42। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से पक्का है यूपीटेट में। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अकहु सर्जनीया नाम कंठ। ये आपका जो है इसका सूत्र होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। राजभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचमी विभक्ति का है, और डिटेल पढ़ाया हुआ है। आज जरूर देखिएगा, जिनकी विभक्ति कारक क्लियर नहीं है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी 100%। मनसा शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? तो उत्तर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। मत्याम शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। शतद्वयम हिंदी संख्या का बोधक है क्या? मतलब कहने का कि ये शब्द जो है वो कौन सी संख्या का संस्कृत नाम है, क्योंकि सिलेबस में है तो आपको संस्कृत संख्याएं भी एक बार देख लेनी है एग्जाम के पहले। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 200। देखिए शतक मतलब होता है क्या? शत शौक से इसका अर्थ है, द्वयम मतलब दो से अर्थ है, तो हो जाता है आपका 200। पठावः क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन तीनों चीज बतानी है। सो बिल्कुल बेसिक है ये, पठ धातु का आपका चलेगा इसका रूप। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंपली ये लट लकार है और ये उत्तम पुरुष है और द्विवचन रूप है। पठामी पठाओ पठाम है ऐसे करके जो बनता है आपका। कल्याणम का पर्याय नहीं है क्या? उत्तर यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अकुशलम। क्योंकि कल्याण का मतलब तो हर चीज़ कुशल होना, हर चीज़ अच्छी होना, पॉजिटिव होना होता है, और अ वर्ड हमेशा अ जब लगता है उपसर्ग कहीं पे तो ये निगेटिविटी को दर्शाता है, किसी चीज़ के इसमें नहीं अर्थ जोड़ देता है। तो जो चीज़ कुशल नहीं है तो वो कल्याण की पर्याय कैसे हो सकती है? पर्याय की बात हो रही है, समानार्थी की बात हो रही है एक तरह से। असूय पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है कौन सी? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को प्लीज़। आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, देखिए तो कर दिया करिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, तो प्लीज़ कर दिया करिए। एनीवेज तो चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। भास द्वारा विरचित नाटक है कौन सा? यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं इसमें आपका प्रतिमा नाटकम सही आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है क्या जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से? तो एक ऑप्शन है आपका विष्णुदय, सदैव, वाग्दानम और अत्रैव, तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका वो क्या होगा। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाग दानम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी आपकी देखिए ए की मात्रा आ रही है तो आपका स्वर संधि है, ठीक है। यहाँ पे आपकी दीर्घ साफ सीधी सीधी छोटी उ की जगह बड़ा उ हो गया है तो दीर्घ है, यहाँ पे भी ए की मात्रा है, ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। प्रथम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है कौन सा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहतौते, यही आपका बनता है ना प्रथम पुरुष में, तो यही जो है सही उत्तर होगा, सर्वनाम होगा प्रथम पुरुष के लिए।
अज्ञा का विलोम है क्या? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ या सर्वज्ञ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञ, अज्ञा विज्ञ, अज्ञा विज्ञ, ऐसे करके याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देख लेंगे, शुद्ध वाक्य है कौन सा? देखिए दो तीन दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक वर्तनी शुद्ध करने वाला जो आपका यूपी टेट में हिंदी में हर बार पूछता है, और एक आपका वाक्य का पूछ सकता है, वो संस्कृत में पूछेगा जब भी पूछेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्यम नश्यति, बिल्कुल सही है। अहम के साथ देखिए पठति नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपके प्रथम पुरुष की जो है धातु नहीं लगेगी, ये रूप नहीं चलेगा, पठामि लगेगा, त्वम के साथ भी लिखसि लगेगा, इस तरह से लगेगा, लिखति नहीं लगेगा, और उक्त सभी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य, बाकी दोनों ही गलत हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। सो ये आज की क्लास थी, आई जस्ट होप यू लाइक, और आपकी प्रैक्टिस लगातार एग्जाम तक चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ सुपर टेट की क्लासेस जो है, जैसा मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे दोनों चैनल पे चलेगी डिवाइड होकर, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए, नोटिफिकेशन का इशू ना होने पाए, टाइमिंग का कोई इशू ना होने पाए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरे चैनल की लिंक जो है वो दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जो मैसेज हो आप तक वो पहुँच सके सुपर टेट से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।